लाइव तो करो। 18 मिनट लाइव है, 18 मिनट है, इससे कम ना हो रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। 6 बजते ही करियर पॉइंट के साथ लाइव हो जाने का समय हो जाता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पी ब्लॉक के ऑक्सीजन फैमिली। धीरे धीरे करके देखो कितना अमेजिंग वे में हम पढ़े जा रहे हैं और पी ब्लॉक को खत्म किए जा रहे हैं। सो देखो, रोहित राज गुड इवनिंग दिख रहे हैं मुझे, और आई विल रिक्वेस्ट माई टीम कि आप जल्दी से इसको वेकेट कर दीजिए। अमन शर्मा, डॉक्टर जय शर्मा दिख रहे हैं, के इंटेक दिख रहे हैं, आदिब खान, यस स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। मोहम्मद तारिक खान, पी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़े जा रहे हैं और ऑक्सीजन फैमिली का आज लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए, समय हो चुका है ऑक्सीजन फैमिली में इसका मास्टर बनने का। ऐसा कुछ पढ़ा जाए कि ऑक्सीजन फैमिली टिप्स की गेम हो जाए। तो देखो, ऑक्सीजन फैमिली का कंटेंट बहुत कम है, ऑक्सीजन की रिएक्शंस बहुत कम है। एक्चुअली ऑक्सीजन की रिएक्शंस हमने इसमें पढ़ रखी है, ऑक्साइड्स बनाया था, कार्बन की ऑक्साइड्स बनाए थे, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनाए थे। सो ऑक्सीजन के लिए अलग से कुछ रिएक्शन होता नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स अलग से होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, जैसे O2 डाइऑक्सीजन हो गया, जैसे सल्फर के बारे में, सल्फर के S8 फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो ऑक्सीजन फैमिली बहुत इजी पड़ जाता है, पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की रिएक्शंस हम ऑलरेडी पढ़े आ रहे हैं पहले से। ठीक है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके शोर मचाइए, उतना ही जल्दी लेक्चर स्टार्ट होगा। अभिजीत बेरा कह रहे हैं एम्स डॉक्टर बनेंगे, जरूर बनेंगे अभिजीत, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जय शर्मा कह रहे हैं शोर मचा दिया। डॉक्टर जय, शोर मचाया हुआ दिख नहीं रहा मुझे, आप और साथ साथ और लोग भी तो मचाएं, थैंक यू डॉक्टर जय। मोहम्मद तारिक, वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ईशा मिश्रा, चैन सिंह, हर्षित राज, मनीष कुशवाहा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ऐसा है भाई साहब, हम पढ़ेंगे आज ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली देखो लेक्चर्स जो है ना आपके सिलेक्शन में, लेक्चर्स का रोल क्या है आज मैं बताऊं आपको। 60-70% क्वेश्चंस आपके केवल लेक्चर से हो जाएंगे। देखो एकदम सच्चाई बात बताते हैं अपन, क्योंकि अपन बच्चे से कोई धोखा नहीं कर रहे, हमें चाहिए सिलेक्शन, इसलिए सच बोल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 60-70% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन सर उस 30-40% क्वेश्चन का हम करें क्या? ये कैसे होगा? तो ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें खुद ब खुद डाउट आएगा और हर बच्चे के लिए डाउट अलग अलग होगा। इसी को मद्दे मद्देनजर रखते हुए हमने डाउट ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करिए, या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिए, या तो अगर उससे नहीं हो रहा है तो सीपी लाइव, जो ये ग्रुप का नाम लिखा है ना, कैरियर पॉइंट सीपी लाइव, इसको सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, यस इशिता इज ऑल्सो प्रेजेंट, वेरी गुड। एंड यू आर न्यू, मोहम्मद सादिक शेख, देखो बहुत अच्छा मौका है, नए बच्चे नए चैप्टर, पढ़ने का तरीका चेंज करो और आईआईटी में नीट में सिलेक्शन लाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करो, ये हम यहां बताते हैं। चलिए, डाउट की भी आपको वो हो गई। अब देखो सर, ऑक्सीजन फैमिली में यही सारे एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं, या तो ऑक्सीजन पढ़ना है, या सल्फर, या सेलेनियम, या टेल्यूरियम, या पोलोनियम। ठीक है भाई साहब, वेरी गुड। चंदू, यू आर ऑल्सो न्यू, आज देखो कितना मजा आता है ऑक्सीजन फैमिली पढ़ के, पहली बार मैं बता दूं, मजा आ जाएगा। जो लोग न्यू है ना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन साथ साथ में दब जाना चाहिए। कितने लोगों ने दोस्ती की, देखो आप लोग टारगेट 2 दिन से कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आपका टारगेट में कंप्लीट डिक्रीज करके 222 लाइक का टारगेट रख देते हैं। ठीक है, आदिब खान ने बिल्कुल सही करा, लाइक का टारगेट 222 रख देते हैं और खुद पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली को मास्टर करने के लिए। चैन सिंह, सद्दाम, विकास, शाहरुख अली, वेरी गुड। चलिए, अब ऑक्सीजन फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, हम एकदम बेसिक से चलेंगे सुपर एडवांस पे। ठीक है, अब आइए सर, कुछ ऐसा बताओ आप जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन नॉन मेटल है और कौन मेटल है और कौन मेटलॉइड है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक बार और बता चुका हूं कि देखो, बोरोन, सिलिकन, बालिका, सीता, गीता, फिर ऐश्वर्या, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते ही मेटलॉइड्स हैं, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स। अब किसी भी ग्रुप में, चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली हो, चाहे वो कार्बन फैमिली हो, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, भाई साहब मेटलॉइड तो आप पहचान गए। क्यों? ये देखो, ट्यूशन में टेल्यूरियम पढ़ा है,
सो मेटलॉइड है। अब मेटलॉइड से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा, और मेटलॉइड से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नॉन मेटल मिल जाएगा। सो बिना रट्टाफिकेशन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे ऑर्गेनिक चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, केवल कैरियर पॉइंट ही बता सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोगों को फायदा हो, इसलिए आप सब लोग जो नए हैं, जो पुराने, बफरिंग हो रही है, एक बार जरूर आप, मैं बोल दूंगा अपनी टीम को चेक करने के लिए व्हाई इट इज बफरिंग। सो माय टीम प्लीज टेक केयर ऑफ इट। यस मिस्ट फातिमा, सुम्बुल फातिमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देखो मेटलॉइड तो ये रहा, इसके नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? मेटल। इससे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? नॉन मेटल। ठीक है, अंगेश, पुनीत, निलिशा, विशाल, संदीप रावत, सगुन, वेरी गुड। अब इससे नीचे मिलोगे तो मेटल, उससे ऊपर नॉन मेटल। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक चीज हमें क्लियर हो गई, कौन मेटल, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड। ऑक्सीजन फैमिली को हम चालकोजेन्स कहते हैं, जैसा मैंने नाइट्रोजन फैमिली में बताया था, याद है? क्या बोलते हैं? नीटोजेन। क्यों? नीटोजेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग इन नेचर। सो नाइट्रोजन फैमिली के सारे कंपाउंड, सारे एलिमेंट्स एक्चुअली सफोकेटिंग गैसेस बनाते हैं, देयरफॉर उनका, सफोकेटिंग गैसेस के चलते उनका नाम नीटोजेन रख दिया। उसी तरह सर चालकोजेन इसको क्यों बोलते हैं? व्हाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड चालकोजेन? इज देयर एनी गैसेस? वेरी गुड, वेरी गुड। करण, हैदराबादी की सिचुएशन बहुत, हाँ यार थोड़ा बारिश वारिश के चलते हो सकता है सिचुएशन खराब है। अब आइए देखते हैं कि इसको चालकोजेन क्यों कहते हैं। देखो एक्चुअली ऑक्सीजन, चालकोजेन का मतलब क्या होता है? चालकोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग इन नेचर। चालकोजेन का मतलब होता है, आप देख सकते हो बहुत इजीली क्लियरली लिखा हुआ है कि चालकोजेन का मतलब होता है कि जो अर्थ क्रस्ट में ओर फॉर्मिंग हो। और जितने भी ओर्स हैं हमने मेटलर्जी में पढ़ा है, या तो वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है या तो वो सल्फाइड फॉर्म में होता है। मैक्सिमम ओर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन और सल्फर के ओर फॉर्मिंग होता है, इसलिए इसको चालकोजेन कहते हैं। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो बोलिए हां। चलिए अब जब आपने हां बोल दिया तो आइए अब पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस क्या इसमें इफेक्ट होता है। सबसे पहला लेक्चर है, बेसिक से सुपर एडवांस जाने की बारी है। तो मैं देख रहा हूं संदीप रावत, विनय, गरिमा, सुम्बोल, मोनिका, अभय, एवरीबॉडी, कोई बता सकता है? मैंने बताया हुआ है, देखो यार कार, देखो सबसे पहला ग्रुप क्या है? बोरोन फैमिली, फिर क्या है? कार्बन फैमिली, फिर क्या है? नाइट्रोजन फैमिली, फिर क्या है? ऑक्सीजन फैमिली, फिर क्या है? हैलोजन फैमिली, यही है पी ब्लॉक के मेटल्स। और फिर है आपको इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस का लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन है, इसमें साइज का एक्सेप्शन है, यहां के बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बोरोन फैमिली का एक्सेप्शन समझा चुके हैं, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डीडी कॉन्ट्रैक्शन, ये भी समझा चुके हैं, इसमें डीडी लगता है और यहां के बाद ना ही लैंथोनाइड ना ही डीडी। ठीक है, देखो बोरोन फैमिली में क्या हुआ था, बाल गंगाधर इन तिलक, ऐसा होता है बोरोन फैमिली। इसमें एक्सेप्शन साइज का ही होता है कि एल्युमिनियम और गैलियम का ऑर्डर चेंज हो जाता है, यहां आ जाता है गैलियम, यहां आ जाता है फिर इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ बोरोन फैमिली। अब हमने कार्बन फैमिली में पढ़ा था, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, ये होता है लेकिन साइज का ऑर्डर में ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं। इस फैमिली में यहां पे एक्सेप्शन लग रहा है और यहां पे एक्सेप्शन लग रहा है, यहां पे एक्सेप्शन क्यों लग रहा है? ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, 2 से 3 एंगस्ट्रम का डिफरेंस होता है। यहां पे ये देखो केवल ये चेंज हो जाता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और यहां के बाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली में भी नहीं है, ऑक्सीजन में भी नहीं है, हैलोजन में भी नहीं है, इनर्ट में भी नहीं है। तो ये बात अगर समझ में आ गई हो तो क्या मैं ये ऑर्डर लिख दूं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्तमस रिफ्रेश करिए जरूर। ट्रिक इशिता बताया था ट्रिक ऑलरेडी इसमें बोरोन फैमिली वगैरह में, मोहम्मद तारिक, बिल्कुल। अब एटॉमिक रेडियस देखो जैसे जैसे नीचे जा रहा है इंक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मैं बताऊं आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये रहा। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी साइज का ऑर्डर है एकदम उल्टा कर दो, अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच करण, हीरो, सुचेता, पुनीत, मोनु, किनु, वेरी गुड। ये पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि हर एक चीज जो एनसीईआरटी में है वो इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, प्लस जो एनसीईआरटी में नहीं है और जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो भी यहां है। ठीक है, वेरी गुड। आइए
अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? थैंक यू सो मच अनिल यादव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको बताया था थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। फिर से एक बार बहुत बेसिक से देखो, हर चीज को अगर आप बेसिक लगा देते हैं ना उसमें, हर चीज का अगर आप बेसिक लगा दे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। देखो, दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड। बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। आइए, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वाले का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। वाई? सर, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज है छोटा, थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज है बड़ा, फोर्थ पीरियड का और बड़ा, फिफ्थ पीरियड का और बड़ा, सिक्स्थ पीरियड का तो बहुत ही बड़ा। ठीक है सर, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया, एफिनिटी का मतलब होता है लव। लव किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। सो इलेक्ट्रॉन, अगर इस चीज किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया तो वह इलेक्ट्रॉन को घर के अंदर बुलाएगा, घर के अंदर बुलाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इस छोटे से घर में 9वां इलेक्ट्रॉन आ गया, भाई साहब लड़ाइयां चालू। 8 माइनस चार्ज ऑलरेडी है, अलग से एक और माइनस चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस माइनस रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत हेवी रिपल्सन होगा। लेकिन यहां पे देखो, इसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने की वजह से बाहर वाला निगेटिव चार्ज उतना रिपल्सन नहीं फील करेगा, क्योंकि इसके पास कमरे ज्यादा हो गए ना, इसके पास 2 ही कमरे हैं सेकेंड पीरियड, इसके पास 3 कमरे हैं थर्ड पीरियड, तो कमरे ज्यादा हो गए तो बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फील नहीं करेगा, देयरफॉर इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। इसकी एफिनिटी क्यों कम होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाती है इस केस में। ठीक है, वेरी गुड। नाउ सी दिस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लास्ट होती है, और यह जरूर दिमाग में रखेंगे, थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है तो पता ही है, ऑक्सीजन की सबसे लास्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरी गुड सादिक, बहुत अच्छा। ट्रिक व्रिक बताएंगे, डोंट वरी। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली को याद करने के लिए, ओ स्टाइल से टी पो, दिस इज द ट्रिक फॉर ऑक्सीजन फैमिली का रट्टा। यस, बाहर वाला के लिए कमरे में जगह तो बनाओ, इसके पास 2 ही कमरा है, ऑलरेडी 8 लोग हैं। समझ रहे हो आप बात को? वेरी गुड। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो वो जो लाइक वाला दोस्ती का बटन है, आप लोग मेरे से दोस्ती करना चाहते हो कि नहीं? आज का टारगेट लाइक है 222, देखता हूं आप लोग पहुंचा पाते हैं वहां तक कि नहीं। आइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। देखो, सिंपल रूल है, एज वी गो टॉप टू डाउन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीजेस। कोई भी कहीं भी एक्सेप्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में तो एक्सेप्शन ही नहीं है। लेफ्ट से राइट जाएंगे एफिनिटी बढ़े, निगेटिविटी बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम जाएंगे निगेटिविटी कम होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के लिए अब जो मैं 2 मिनट में आपको एक टेबल बता रहा हूं, अगर वो टेबल आपके दिमाग में है तो आप कितना भी टफ लेवल का एग्जाम दे दो और कितना भी इजी लेवल का एग्जाम दे दो, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली हो। तो क्या आप रेडी हैं उस टेबल के लिए? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की टेबल बताने जा रहा हूं विथ अ वेरी स्मॉल ट्रिक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तहस नहस कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शगुन जायसवाल। अरे शगुन जायसवाल, आप वही हो ना जो बिहारी में बात करने के लिए बोलते हो, मुझे सबका नाम याद रहता है। एवरीबडी, आशमा परवीन, नो प्रॉब्लम। सी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो कैसे पढ़ते हैं, एक टेबल और पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब जगह का फंडा खत्म। देखो, सबसे पहले मैं हैलोजन फैमिली से स्टार्ट करता हूं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 4। ठीक है, फिर आएंगे आप क्लोरीन, फिर आएंगे ब्रोमीन, और फिर आएंगे आयोडीन। ठीक, और इससे इधर होगा ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर होगा कार्बन। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, इसके नीचे होता है फॉस्फोरस। ठीक, और इधर होता है हाइड्रोजन। अगर आपको इतने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है, कभी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउट नहीं आएगा। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है, हाईएस्ट इन द होल पीरियोडिक टेबल, पूरे दुनिया संसार के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है, और उस पूरे पीरियोडिक टेबल में ये हाईएस्ट है। अब जब लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो 0.5 कम कर दो, दैट मींस 4 में से 0.5 कम किया तो 3.5 बचा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5।
थोड़ा और 0.5 कम करो तो इसका 3 हो गया, 3.0। थोड़ा और कम करो तो इसका हो गया, थोड़ा और कम करो तो इसका हो गया 2.5, ठीक है, कार्बन। बस कार्बन तक आ गए, पी ब्लॉक में ऐसे भर दिया सबका। अब आपको दो तो याद रखना है, देखो नकल, नकल का मतलब जो नाइट्रोजन है वही क्लोरीन, जो नाइट्रोजन है वही क्लोरीन। फिर याद रखना है आपको, देखो और इसका होता है 2.1, पी ब्लॉक में 0.5 कम करना है, जैसे ही एस ब्लॉक में आए 0.4 कम करना है, ठीक है। तो और फिर होता है नकल के बाद हिमाचल प्रदेश, एचपी, एचपी गैस, एचपी पेट्रोलियम, तो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रोजन 2.1, तो ये भी 2.1। फिर होता है कसाई, सी एस आई, कसाई का मतलब है जितना कार्बन उतना ही सल्फर, दैट मीन्स 2.5, उतना ही आयोडीन, दैट मीन्स 2.5। अब हर जगह यहां पे आपने 0.5 कम किया, यहां पे आपने 0.4 कम किया, अब यहां पे आपने 0.3 ऐड कर देना है, 0.5, 0.4, 0.3, दैट्स इट, काम खत्म। अगर समझ में आ गया हो तो बोलिए हाँ, और तालियां बजती रहनी चाहिए, और हार्ट्स रुकने नहीं चाहिए, और लाइक का टारगेट इज 2222। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं कि मेरे आज 222 आप लोग कर पाते हैं या नहीं, लेट सी दिस। थैंक यू सो मच अभिषेक पांडे। देखो सबसे ज्यादा 4, फिर 0.5 कम किया, फिर और 0.5 कम किया, फिर और 0.5 कम कर गया, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में 0.5 कम करते जाइए। फिर नकल लगाइए, जितना नाइट्रोजन उतना ही क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन एचपी गैस लगाइए 2.1, फास्फोरस भी 2.1, फिर कसाई लगाइए, जितना कार्बन सल्फर उतना ही आयोडीन। अब 0.5 कर लिया पी ब्लॉक के लिए, 0.4 और कम कर दोगे तो एस ब्लॉक हाइड्रोजन, और इतना ही एचपी गैस, और 0.5 कम किया तो पी ब्लॉक, 0.4 कम किया तो एस ब्लॉक, 0.3 कम करोगे तो लास्ट वाले, 0.3 ऐड करोगे तो लास्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी, ठीक है। सरोज, सरोज पढ़ने का तरीका बदलिए और आइए करियर पॉइंट से जुड़िए, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करिए, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होता चला जाएगा। आपने देखा था ना कि फ्लोरीन 4 नीचे आए क्लोरीन के पास तो उसकी 3, और नीचे गए 2.8, और नीचे गए 2.5, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। यस वेरी गुड चांदनी, मिस्टर नंदी, चंदन नंदी, बहुत एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट बताया आपने। अब पढ़ने की बारी है जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हाइड्राइड्स मतलब, अब मैं फिर से बता दूं, जितने भी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं, सादाम, चंदा, मोहम्मद तारिक, अनिकेत, सचिन, अभिषेक, सादिक शेख, मनीष, चंचल, आदिब खान, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे के पूरे एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। अगर मैं नाइट्राइड लिखूं तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके, अगर मैं फॉस्फाइड लिखूं तो फॉस्फोरस से रिएक्ट करके, अगर मैं कार्बाइड लिखूं तो कार्बन से रिएक्ट करके, सिंपल। So, सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनता है, हाइड्राइड्स बनता है। एज यू कैन सी दिस, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली फॉर्म्स हाइड्राइड्स। अरे समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। ईशा मिश्रा, करण हीरो, मोनिका, आता हूं H3O पे भी आता हूं, डोंट वरी। H2O पढ़े पढ़ते हैं डाइहाइड्रोजन, फिर H3O पे भी आएंगे, ओजोन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो पहला क्वेश्चन, अब एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा कि हाइड्राइड बनेगा कि नहीं बनेगा, वो पूछेगा, बहुत अच्छी बात बच्चे, कि आपने हाइड्राइड बना दी पूरे ऑक्सीजन फैमिली की, सारी ऑक्सीजन फैमिली की हाइड्राइड यहां सामने है। अब बोलेगा इसमें बताइए थर्मल स्टेबिलिटी। अब पढ़ने का तरीका चेंज करिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करिए विथ करियर पॉइंट टीम, लेट्स सी हाउ। अब थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, नाम में ही सब कुछ रखा है यार, नाम में ही सब कुछ रखा है। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। ऐसा आपको इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको थर्मल एनर्जी दिया जाए और सबसे स्टेबल हो, यह बात पूछ रहा है। फिर से एक बार सुनिए, फिर से सुनिए, थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा कंपाउंड हीट एनर्जी देने के बाद भी स्टेबल है, वो आपसे पूछा जा रहा है। एक बार और आइए, आइए एक बार अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं
साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, ये बात से इत्तेफाक रखते हो? यस सर। साइज बड़ा होने के साथ ओवरलैपिंग कमजोर हो जाती है। क्यों सर? ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है और ये फर्स्ट पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, ये फाइव पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, ये सिक्स पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, ठीक है सर? ये सेकेंड पीरियड वाले और फर्स्ट पीरियड वाले जोड़ी लगभग लगभग ठीक है सर। ये थर्ड पीरियड वाले और ये फर्स्ट पीरियड वाले जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है सर। ये फिफ्थ उससे बड़ा और फिर भी ये देखो ओवरलैपिंग। अब फील करो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये जो जोड़ी बन रही है अच्छी नहीं बन रही है। देयरफोर ओवरलैपिंग डिक्रीज, सो ओवरलैपिंग अच्छा तो बॉन्ड अच्छा, ओवरलैपिंग डिक्रीज तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इस ये बहुत कमजोर बॉन्ड है तो इसको थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी हीट दोगे तार तार हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा और इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हुई है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बना है तो ज्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए। तब मतलब कि थर्मल एनर्जी से ये टूटेगा नहीं, बहुत स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वेरी गुड मोनिका जांगिद, एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्ड कमजोर तो थोड़ा सा भी हीट एनर्जी दोगे तो टूट के तार तार हो जाएगा, इसलिए अनस्टेबल हो गया। लेकिन ये ओवरलैपिंग अच्छी, बॉन्ड स्ट्रांग, थर्मल एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। बहुत अच्छा विशाल निषाद, एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब आइए रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में ये ना पूछ के ये पूछा जाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन हाइड्राइड्स में किसका ज्यादा होगा। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर पता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उस कंपाउंड का ज्यादा होगा जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो रिलीज करेगा वो सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग नेचर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कौन जल्दी दे देगा, विच विल रिलीज हाइड्रोजन मोर इजी। अरे सर ये देखो ना, ये बॉन्ड बहुत ही कमजोर है, बॉन्ड ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई है, बॉन्ड कमजोर है। बॉन्ड कमजोर का मतलब क्या है सर? बॉन्ड कमजोर है, थोड़ा सा भी हीट एनर्जी दोगे भाई साहब तहस नहस हो जाएंगे, तार तार हो जाएंगे। वेरी गुड, सो दिस विल बी मोस्ट रिड्यूसिंग। देखो ना, रिड्यूसिंग का मतलब है हाइड्रोजन कौन जल्दी देगा। देखो, हाइड्रोजन वो जल्दी देगा जो मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो ज्यादा होगा जो हाइड्रोजन इजिली दे देगा, जिसका बॉन्ड कमजोर है वही तो हाइड्रोजन देगा। सो क्या मैं इसका उल्टा कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है, दोनों तरफ से आप समझ लिए, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड। शिव कुमार वर्मा, एब्सोल्यूटली करेक्ट। आयुष, बहुत अच्छा। फातिमा, रिदा, चंदा, उजाला, मनीष, वेरी गुड एवरीबॉडी। नाउ वॉच दिस एसिडिक कैरेक्टर कई बार रिड्यूसिंग कैरेक्टर में फंसाया हुआ है एग्जामिनर। देखो सिंपल चीजें पूछता है, हाइड्राइड से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन वो पूछेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, पढ़ने के तरीके को बदलिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन रिलीज करेगा तब तो रिड्यूसिंग होगा, तो कौन जल्दी रिड्यूस करेगा? जो जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जल्दी कौन हाइड्रोजन रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार लिख दीजिए हां, समझ में आ गया हो तो बोलिए हां। बहुत अच्छा, यस, इन जेई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं पहले भी बता दूं। ठीक है, वेरी गुड रश्मि, पुनीत, एवरीबॉडी। अब इसका एसिडिक कैरेक्टर बताइए मुझे। यार आपको पता है जो पानी में H+ रिलीज करेगा उसको एसिड बोलते हैं और जो पानी में OH- रिलीज करेगा उसको बेस बोलते हैं। एवरीवन नोज इट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अरहेनियस एसिड। कोई मुझे बताएगा कि सर यहां अरहेनियस एसिड के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? व्हाई नॉट लेविस एसिड? यहां एसिडिक कैरेक्टर है, हम लेविस एसिड के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बिकॉज गाइज, H2O को ले लो फॉर एन एग्जाम्पल। यार ऑक्सीजन के दो बॉन्ड बने हैं स्टेबल, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ये भी स्टेबल। लेविस एसिड वो होता है जो अनस्टेबल है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए स्टेबल होने के लिए, देयरफॉर दे आर नॉट लेविस एसिड, दे आर अरहेनियस एसिड।
अगर मैं बोरोन की बात करूं BH3 तो यहां पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों? 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड्स, दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देयरफॉर ये लेविस एसिड थे, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में अलग है। उसी तरह BCl3 ये भी 6 बॉन्ड, BCl3 ये भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो है, लेकिन यहां इसलिए वो लेविस एसिड है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में वो लेविस एसिड थोड़ी है। वेरी गुड, अब ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन रिलीज करना चाहिए। सो जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा वो एसिड है, एज सिंपल एज दैट। जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? सर आप अभी ने तो बताया आपके ओवरलैपिंग कमजोर, बॉन्ड वीक, ओवरलैपिंग कमजोर, बॉन्ड वीक, एंड देयरफॉर इजीली दे देगा। सी दिस, क्या कोई दिक्कत है अभी तक? कोई दिक्कत है? वेरी गुड सर, इज नॉन मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक? नो नॉट ऑलवेज, बट 99% केसेस एसिडिक होते हैं। रिदा खान, मनु कुमारी, वेरी गुड, नॉन मेटल्स आर नॉट एसिडिक, और दूसरा मेटल्स आर नॉट बेसिक, नॉन मेटल शोज कैरेक्टरिस्टिक लाइक एसिडिक, ठीक है, मेटल्स आर नॉट बेसिक, मेटल्स सिंस दे लूज इलेक्ट्रॉन से देयरफॉर वी से कि वो बेसिक है, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वी से कि वो एसिडिक है, ठीक है गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, चर्चा करिए मेरे से। आदिप को देख पा रहा हूं, कामेश्वर सिंह को देख पा रहा हूं, मोनिका जांगिड को देख पा रहा हूं, इशिता को बता रहा हूं, क्या आपने लाइक कंप्लीट किया अभी तक? नहीं किया तो जल्दी करिए, आज का लाइक टारगेट क्या है? 222, दिस इज द लाइक टारगेट ऑफ टुडेज लेक्चर। अमन शर्मा, नीट के लिए ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स पढ़ के बच्चे नीट क्लियर कर चुके हैं, तो आप डिसाइड करिए कि ये सफिशिएंट है कि नहीं। मैं कहूंगा मोर देन सफिशिएंट है, और जेई बहुत अच्छे अच्छे रैंक आ चुके हैं, ठीक है। हम एक बात बता दें कि मैं बार बार बोलता हूं ना कि डाउट ग्रुप में आइए, हमारी एक्स सीपी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आईआईटी में है, एम्स में है, आईआईटी बॉम्बे में है, बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी कॉलेजेस में है, वो ऑलरेडी इस डाउट ग्रुप में आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। आप जाके मिल सकते हैं उनसे, पूछ सकते हैं कि कैरियर पॉइंट कितना हार्डवर्क करता है बच्चों के पीछे, ठीक है। वेरी गुड, आइए अब हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम, सारे के सारे एलिमेंट्स हैलाइड्स नहीं बनाते हैं, एकदम जहर है, पढ़ाई थोड़ी हो रहा है केमिस्ट्री, तो जहर है। देखो कैसे, ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाइहैलाइड्स, केवल और केवल ऑक्सीजन और सल्फर डाइहैलाइड्स बनाते हैं, बाद बाकी सारे के सारे नहीं बनाते हैं, बिकॉज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन और सल्फर तक तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात है, लेकिन फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में 4 कमरा वाला बंगला बहुत बड़ा हो गया, 5 कमरा वाला बंगला बहुत बड़ा, 6 कमरों वाला बंगला बहुत बड़ा हो गया, साइज इंक्रीज हो गई, देयरफॉर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई, देयरफॉर ये बॉन्ड्स अच्छे से नहीं बने हैं, ठीक है। वेरी गुड, सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा गाइस, जरूर कंप्लीट होगा। आइए अब देखना, ये देखो, अच्छा क्यों मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन OF क्यों नहीं बनाता, OF क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ऑक्सीजन अनस्टेबल है, यहां पे देखो ना एक ही बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, देयरफॉर इट डाइमेराइजेस एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड लाइक दिस। SF क्यों नहीं बनता, अनस्टेबल है, देयरफॉर इट डाइमेराइजेस एंड गिव्स डाइहैलाइड्स। बात समझ में आ गई है? चलिए अब पूछा जाता है कि Se2Cl2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, Se2Cl2 उसी तरह टेलुरियम और पोलोनियम क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज साइज इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ा, ओवरलैपिंग कम, बॉन्ड बेकार, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। SeCl2 बहुत थोड़े देर के लिए बनता है और तुरंत SeCl4 और सेलेनियम अलग अलग हो जाते हैं। SeCl2 बनता तो है लेकिन फॉर अ वेरी लेस मोमेंट ऑफ टाइम, एंड इट डिकम्पोजेज इंटू SeCl4 एंड सेलेनियम अलग से, ठीक है। समझ में आया एवरीबॉडी? यस यस यस, बहुत अच्छा बादशाह, बहुत फायदेमंद है वो टेस्ट सीरीज, मैंने खुद से देखा है, खुद से रिव्यू किया है, बहुत ही मजेदार टेस्ट सीरीज है। आप पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, अगर आप ये तीनों चीज करते हैं आईआईटी और मेडिकल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, मैं पहले ही बता दूं आपको। अब ये क्वेश्चन कर दीजिए, सुपर एग्जाम्पल कर दीजिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डिसप्रोप्रिएशन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिसप्रोप्रिएशन कर रहा है? ये मोर देन वन करेक्ट है, फिर से बता दो, मोर देन वन करेक्ट है। डिसप्रॉप का मतलब उसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है? डी कह रहा है कुछ लोग डी कह रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज मोर देन वन टाइप करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। कतई जहर ईशा मिश्रा, बिल्कुल सही। आइए, अब मैंने बुलाया था फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या यहां प्लस 3 आ रहा है, क्या यहां प्लस 5 आ रहा है, क्या यहां पे प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही, क्या यहां पे सर Ac2Cl2 दिख रहा है? मुझे तो Ac2Cl2 दिखते ही क्या चमकना चाहिए सर? Ac2Cl2 अच्छी बात है, लेकिन ये तुरंत AcCl4 प्लस सेलेनियम में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। कई लोग कितने आंसर दे रहे हैं, ACD, मनीष कुमार का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट लग रहा है, एंड आकाश का भी आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट लग रहा है, ACD एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो देखो यहां पे सेलेनियम क्या है, प्लस 1 में है, मैं क्या पेन चेंज कर लूं, देखो गाइस यहां पे सेलेनियम क्या है, प्लस 1 में है, यहां पे प्लस 4 में गया और 0 में गया, दैट मींस ऑक्सीडेशन, प्लस 1 से 0 रिडक्शन, दिख गया, दैट मींस डी ऑप्शन तो सर पक्का टिक मार गया। सर व्हाट अबाउट सी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन? देखो मैंने बोला था नाइट्रोजन के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुरंत से डिसप्रॉप होके लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे H3PO3 या तो ये पहले PH3 में चले जाता है और H3PO4 में जाके टूट जाएगा, लोएस्ट मतलब -3 में चला जाएगा, हाईएस्ट मतलब +5 में चला जाएगा। सर ये वाला क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट और लोएस्ट में अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपाउंड है तो वो तो ठीक है, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट छोड़ के बाकी कोई भी हुआ तो वो डिसप्रॉप हो जाता है इस कंपाउंड्स में, ठीक है, रेडॉक्स, बिल्कुल सही। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कैसे लिखूं? रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के लिए मैं हमेशा हर बार एक ट्रिक बताता हूं, और हर ट्रिक से आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है एवरीबॉडी। आइए, क्या टारगेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? 222 का टारगेट है, फिर से आइए, लाइक का टारगेट है, आइए। अब मैं आपको बताऊं, अवनीश दुबे बहुत अच्छा, अनिल सिंह LIC एडवाइजर, इनऑर्गेनिक को तो मैं इतना आसान कर देता हूं, समझ आना ही पड़ेगा, ये है इनऑर्गेनिक पढ़ने का कला। अब डाई ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, डाई ऑक्सीजन के लिए आपके सिलेबस में बस दो चीजें हैं, वो क्या सर? डाई ऑक्सीजन बनता कैसे है? अब आप पूछोगे सर डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन सिलेबस में क्यों नहीं है, क्योंकि डाई ऑक्सीजन की रिएक्शन ऑलरेडी बोरोन फैमिली से पढ़ चुके हैं, कार्बन फैमिली में भी पढ़ चुके हैं और नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ चुके हैं। तो अब आइए प्रिपरेशन नंबर 1, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन नंबर 1, किसी भी मेटल नाइट्रेट अगर हाईली रिएक्टिव मेटल से नाइट्रेट बना हुआ है तो वो O2, हर मेटल नाइट्रेट O2 देता है, सबसे पहली बात, चाहे वो हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ बना हो तो भी O2 देगा, मॉडरेटली रिएक्टिव के साथ देगा तो भी O2 देगा, और वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो भी O2 देगा, O2 तो हर केस में है। अब देखना, अगर वो हाई रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट या कोई आपको मेटल या नॉन मेटल वो हाईली रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, मेटल की बात कर रहा हूं। तो आपको मैंने पढ़ाया था एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से ऊपर वेरी हाई रिएक्टिव, ठीक है, और कार्बन से हाइड्रोजन के बीच में मॉडरेटली रिएक्टिव, और फिर हाइड्रोजन से नीचे लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव जिसको बोलते हैं। सो ऐसे एलिमेंट्स जो पोटेशियम से चालू होके कार्बन के बीच में आ रहे हैं, दे आर वेरी हाई रिएक्टिव, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ रहे हैं, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड ऑल अदर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। अगर आपको वेरी हाई रिएक्टिव वाला नाइट्रेट मिला तो वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन देगा, अगर इन बीच वाला मिला तो मेटल ऑक्साइड और NO2 और O2 देगा, और अगर सबसे नीचे वाले हैं तो चुपचाप मेटल देके नाइट्रेट देके O2 दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया एवरीबॉडी, वेरी गुड। H3PO2 कैसे डिस्प्रोपोर्शनेट? मरियम खान, वेरी गुड। H3PO2 देखो ना, H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो मैंने बोला है इंटरमीडिएट कुछ भी फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड हो
वो -3 और +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना के स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। लाइव ग्रुप के लिंक अगर वर्क नहीं कर रहा है तो शाहनवाज मैं आपको बता रहा हूं, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में जो सर्च बटन है वहां लिखे कैरियर पॉइंट सीपी लाइव, एक ब्लैक कलर का लोगो आएगा कैरियर पॉइंट लिखा हुआ, वही अपना ग्रुप है, ज्वाइन कर जाइए, बहुत मजा आ जाएगा आपको ज्वाइन करने के बाद। आइए अब मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें तो ये हाई रिएक्टिव है, ये मेटल नाइट्राइट दे गया, O2 दे गया, काम खत्म कर दिया। अगर मोडर बीच का है, मॉडरेट है, बीच का है, तो वो ऑक्साइड देगा, NO2 देगा और ऑक्सीजन देगा, और अगर सबसे नीचे वाले हैं तो वो मेटल देगा, नाइट्रेट देगा और O2 देगा। दिस इज द एग्जांपल एक्चुअली, ये नीचे वाले हैं, ये मॉडरेट वाले हैं और ये दोनों हाई रिएक्टिव वाले हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन पहला मेथड। अब आइए ऑक्सीजन का प्रिपरेशन दूसरा मेथड, डाई ऑक्सीजन। क्या मतलब है डाई ऑक्सीजन का? पहला नाइट्राइट से बना सकते हैं, दूसरा ऑक्साइड को हीट करके बना सकते हैं, सिंपल। हाईली रिएक्टिव ऑक्साइड लोगे अगर तो फिर कुछ नहीं बनेगा, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के साथ ऑक्साइड लोगे तो मेटल ऑक्साइड और O2 रिएक्ट हो जाएगा, लो रिएक्टिव ऑक्साइड दोगे तो मेटल और O2 हो जाएगा। एक्चुअली हाईली रिएक्टिव से कुछ क्यों नहीं बन रहा है? हाईली रिएक्टिव ऑक्साइड्स नहीं ब्रेक करते हैं एंड देयरफॉर कोई अदर प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है। वो जैसे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, वो कभी भी टूटेगा नहीं, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, वो टूटेगा ही नहीं। उसी तरह मॉडरेटली रिएक्टिव ये ऑक्साइड देके निकल जाएगा। अब आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? यहां मेटल देके चुपचाप निकल जाएगा। अब रिलेशन देखो क्या है, सबसे मजेदार तो अब है। देखो मॉडरेटली है तो यहां भी ऑक्साइड और NO2 और O2 जा रहा है, ठीक है, और मेटल NO2 और O2 जा रहा है, वहां भी मॉडरेट ऑक्साइड में भी मॉडरेटली है तो मेटल ऑक्साइड और O2 जा रहा है, ठीक है, और मेटल है और O2 जा रहा है। अब एक्चुअली अब थोड़ा सा एक कहानी बना देता हूं आपके लिए ताकि हमेशा के लिए याद रहे। देखो नाइट्रेट में, नाइट्रेट क्या होता है? NO2, ठीक है, और आपको बता दूं और क्या होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में सिंपल O2 का वो रहता है फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अंदर की बात करो। अब देखना नाइट्रोजन इसमें एक्स्ट्रा है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है ऑक्साइड से। सो देखना जब भी मॉडरेटली रिएक्टिव होगा ना तो NO2 तो एक्स्ट्रा निकलेगा ही, क्यों? इसमें नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है तो नाइट्रोजन से NO2 एक्स्ट्रा निकलेगा, बाद बाकी सब कुछ सेम है। यहां भी NO2 एक्स्ट्रा निकलेगा, यहां भी NO2 एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है, यह एक्चुअली NO2 है, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट NO2 है ये, ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब मैं बता दूं बस एक कोरिलेशन है और कुछ नहीं, मेटल ऑक्साइड O2 वहां भी निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है, मेटल और O2 यहां भी निकल रहा है, वहां भी निकल रहा है, जस्ट सिंपल डिफरेंस इज व्हाट, वहां वो नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन उसमें एक्स्ट्रा है इसलिए NO2 हर बार निकल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए छोड़िए ओजोन की बात करते हैं। O2 के लिए बस दो ही प्रिपरेशन आपके सिलेबस में, नथिंग एल्स। यस आइए अब ओजोन क्या कहते हैं, ओजोन होता है O3। आप लोग सब लोग इसके स्ट्रक्चर से वाकिफ हैं, देखो कैसे आप सब लोग इसके स्ट्रक्चर से वाकिफ हैं। सर हमें कैसे बनाने आएगा? देखो सिंपल मेथड आज एक बता देता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। मान लीजिए O3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, O3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन मतलब 6 3 18, क्लियर, 18 है तो इसको 8 से डिवाइड करिए, sp2 निकल के आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, 3 का मतलब sp2। ये अगर बात समझ में आ गई हो तो बोलिए हां, नहीं आई हो तो केमिकल बॉन्डिंग में जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत अमेजिंग ट्रिक है और इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना मतलब 99.99 केसेस में निकल जाता है, एक दो केसेस में आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करके इजिली बता सकते हैं, ठीक है। अब देखना O3 का बात करते हैं, 3 ऑक्सीजन सिंपल बना दीजिए, ठीक है, सबसे लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास पहुंचे, ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। सर राइट वाले ऑक्सीजन का अभी भी अनस्टेबल है, क्यों? इसका इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 बॉन्ड बनाए हैं तो क्या 2 लोन पेयर होगा? इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 लोन पेयर होगा। सर ऐसे कैसे मान ले? 2 बॉन्ड्स होते हैं तो 2 लोन पेयर आते हैं, 3 बॉन्ड्स होंगे तो 1 लोन पेयर आएगा। इस कहने का मतलब यह है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज ऑलवेज 4। कई बार बता चुका हूं बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर इज ऑलवेज 4। इस ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हैं तो क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो लोन पेयर भी 2। सिमिलरली विद दिस, दो बॉन्ड बनाए हैं तो लोन पेयर भी 2। सर ये दोनों तो स्टेबल हो गए, व्हाट अबाउट दिस? इसके पास देखो दो लोन पेयर पड़े हैं, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो जाए तो काम हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो जाए तो काम हो जाएगा। आइए, दो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हो गया, काम बन गया आपका। अब चूंकि ये sp3 है, sp2 है मतलब, ठीक है, अब देखना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और बेंट शेप, sp2 में अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो वो बेंट शेप बोलते हैं, VACPR में बहुत इजीली क्लियर्ड है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखना इसमें फतेह की बात यह है कि कई बार पूछा जाता है कि O3 में ये तो डबल बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में बना दो तो क्या होगा, क्या कुछ ऐसा बनेगा O पे प्लस और यहां पे माइनस, ठीक, क्या कुछ ऐसा बन रहा है? यस। अब कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि सर यहां तो डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, क्या O3 में दो OO टाइप के बॉन्ड है? OO टाइप मतलब O और O के बॉन्ड। यहां पे तो सर O और O में डबल बॉन्ड बना है, यहां O और O में सिंगल बॉन्ड बना है। अब बच्चा भावुक हो गया और उसको दिख गया कि डबल और सिंगल बॉन्ड, बच्चे ने तुरंत टिक मार दिया, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि सर यहां नेगेटिव चार्ज है, ये यहां जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां जाएगा। कहने का मतलब है ये ऐसा बन जाएगा और ये यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, माइनस और प्लस। सर ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, दोनों ओजोन है, कहने का मतलब है रेजोनेंस कर रहा है। अगर रेजोनेंस होगा तो सारे ओ बॉन्ड एक ही जैसे हैं, दोनों में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है। एक्चुअली ओजोन इज लाइक दिस, सी ओ ओ ओ, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो कोई भी ओ बॉन्ड हो ओजोन में, ऑल ओ बॉन्ड्स आर सेम, ऑल ओ बॉन्ड्स आर सेम, बोथ ओ बॉन्ड्स आर सेम, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनर यहां से गलती करा चुका है, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ओजोन हो गया तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन लीजिए, उसको वैक्यूम में दबाइए और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें पास कर दीजिए, O3 बन जाता है, नहीं पूछेगा आपसे, बस जान लीजिए, नॉलेज है इसलिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है ओजोन की प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीजन लिया, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, O3 बन गया, ओजोन बन गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी, एक्चुअली देखो बच्चों, बहुत मजेदार ट्रिक है, देखना। एक्चुअली O3 जब होता है ना, वो डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, NASANT, ऑक्सीजन स्पेलिंग के लिए माफी, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। और मैंने HNO3 के रिएक्शंस के पहले पढ़ा रखा है, जिस भी रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा, दैट मींस ये O3 जो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। O3 में ऑक्सीजन से ही बना है ना, तो ऑक्सीजन को वापस निकाल दिया इसको, यार जहां से आए थे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एज सिंपल कि भाई साहब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स ये जो भी किसी भी रिएक्शन में रिएक्ट करे सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा O2 में। कैसे काम करता है, कैसे रटेंगे क्या, नहीं, आओ देखो यहां पे, ये बहुत ही VVVVI रिएक्शन है, मतलब मेरे को 10 सेकंड दो आपको समझा देता हूं। सो 10 सेकंड के लिए एवरीबॉडी रेडी, विकास, करण, हीरो, मेहुल, मोनू, अभय, मोहम्मद तारिक, विपिन, सचिन, आदित्य, वेरी गुड, आदित्य आओ, वेलकम है आपका। O3 का मतलब क्या है सर, ये जैसे ही रिएक्ट करेगा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, होगा सर, रिएक्शन के अंदर जब भी नेसेंट ऑक्सीजन दिखा ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो लेड को ऑक्सीडाइज कर दे या तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दे। सर लेड ऑक्सीडाइज होकर Pb+4 में जाएगा, +2 से +4 में जाएगा, लेकिन आपको पता है सर ये कार्बन फैमिली का हेवीएस्ट एलिमेंट है, यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb+2 स्टेबल होता है और Pb+4 स्टेबल नहीं होता है। तो सर ये किस कुछ भी हो जाए Pb+4 में तो नहीं बनेगा, अनस्टेबल थोड़ी ना बनता है। रिएक्शन होने का मतलब है वो स्टेबल प्रोडक्ट देगा ना कि अनस्टेबल,
सो लेड की तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो बचा कौन? सल्फर, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन होगा, देयरफॉर PbSO4 कंपाउंड बनता है। अभी भी Pb प्लस 2 में है, देखो सल्फर देखो -2 से +6 में चला गया। ठीक है एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड, सचिन यादव थैंक यू सो मच, वेरी गुड। अब क्या होता है, ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड एडिंग मोर नेसेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, देयरफॉर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज फॉर्म्ड। अब देखना ये इसने क्या किया, इसने भाई साहब O2 तो रिलीज किया ही प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। अब ये O2 ऐसा का ऐसा यहां पड़ा हुआ है देखो, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। लेड ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, सल्फर ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 में चला जाएगा। लेकिन ऑक्सीडाइज होकर हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये PbSO4 ही जाएगा? अब फिर मैं बता दूं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है गाइस, यार बहुत अमेजिंग है इनऑर्गेनिक, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सल्फर का। अगर नेसेंट ऑक्सीजन से कभी भी ऑक्सीडाइज कराना हो आपको, कभी भी थंब रूल है ये, नेसेंट ऑक्सीजन से अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो ऑक्सीडाइज करके उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाइए, वही वाला कंपाउंड बनेगा। अब ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? 6 बॉन्ड, डी ऑर्बिटल एक्सपेंड करके 6 बॉन्ड बना सकता है। देयरफॉर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है। तब अब पता चल गया कि सर सल्फर -2 में है, यहां कोई भी हो रिएक्टेंट में, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे ये बात समझ में आ गई तो तहस नहस हो जाना चाहिए लाइक बटन अभी कभी, और तो और यहां हार्ट्स दिखने चाहिए अच्छे से, वेरी गुड। सबसे हाईएस्ट, करण हीरो ने पकड़ ली बात, सही पकड़े हैं, एकदम सही, करण हीरो ने एकदम सही पकड़ लिया बात। ठीक है भाई, एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल सही। आइए अब क्या है, आई माइनस, अब देखो जैसे ही मुझे O3 दिखा मुझे तो फीलिंग आ गई कि भाई साहब ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये O2 ऐसा कौन सा इधर पड़ा रहेगा, क्यों? ऑक्सीजन का क्या काम? अब देखिए यहां आई माइनस, ये नेसेंट ऑक्सीजन आई माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा, कहां? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे बच्चों मेरे प्यारे, समझ आ रहा है तो बोलिए हाँ, वेरी गुड। HiO3 मैंने पहले ही बताया था, आयोडीन मैक्सिमम +3 का ही ऑक्सी एसिड बना सकता है, HiO3, वेरी गुड। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यार वेट करो 25 तारीख का या 26 तारीख का, इनर्ट पेयर इफेक्ट का वीडियो आपके लिए लॉन्च हो जाएगा, बन चुका है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का वीडियो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा एक मिनट बताता हूं हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट HiO3 जाएगा। अब जब ये I2 बना, इसको वाटर में मिला दो तो HiO3 बन जाएगा। अब NCERT में यही तक छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहां पे आया। साथ में NCERT में एक नॉलेज की चीज दे दी है कि सर I2 NCERT में लिख दिया है कि ये जो I2 जो बना यहां पे, ये जो I2 बना ना, अगर इसको स्टार्च में मिला दें तो ब्लू कलर की स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग फॉर्म्ड। ठीक है, यस लॉन्च हो जाएगा मरियन का, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये जरूर HiO3 बनेगा व्हेन यू विल रिएक्ट इट विद वाटर। ठीक है गाइस, अब I2 जब स्टार्च से रिएक्ट कराओगे इट विल फॉर्म ब्लू सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरी गुड। यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके HiO3 बनाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। लेकिन पहले I2 बनेगा एंड व्हेन यू विल डिसॉल्व इट इन वाटर इट विल फॉर्म HiO3। ठीक है, चलिए अब मुझे यहां पे बता दीजिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो आ जाइए, वो वाला जो चीज है ना वो यहां पे आ गया, जो स्टार्च आयोडाइड वाला है ना, एनसीईआरटी ने वहां रोक दिया और दूसरा रिएक्शन बता दिया। अब मुझे बताइए पहले का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। यस चंदा यादव, विपिन कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, स्टार्च का फॉर्मूला, अरे बाबा विपिन कुमार एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका मतलब बायोलॉजी अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा सचिन, बहुत अच्छा, गॉट इट अमन शर्मा, गॉट इट। आइए O3 प्लस I2, रटूंगा थोड़ी, O3 में O2 होता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि भाई साहब इसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देना। आइए क्या है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, HiO3 और O2 जैसा का तैसा, तो क्या मुझे प्रोडक्ट आ गया? अरे डॉक्टर जय शर्मा और अच्युत ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है, ये देखिए आपका आंसर। तो पिछला वाला रिएक्शन जो कंफ्यूजिंग था अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड।
अब देखिए यहां पे O3 है, P4 से रिएक्ट करेगा, O3 प्लस P4, ऐसा का ऐसा देखना कितना सिंपल है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में जाएगा, ये O2 तो कहीं रिएक्ट नहीं कर रहा, O2 ऐसा कैसा रह जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फास्फोरस को बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करके रख देगा। अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस का कौन सा ऑक्सी एसिड हाईएस्ट ऑक्सी एसिड, क्या आपको H3PO4 की कहीं कहीं से फीलिंग आ रही है, दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज इन हाईएस्ट, दैट इज प्लस 5। अरे एमडी सादिक एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑक्सी एसिड बनाना है, ये नहीं कि फास्फोरस का कोई और हाईएस्ट वाला कंपाउंड उठा लिया, नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो भी ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सी एसिड कहते हैं, ठीक है भाई साहब। अवनीश दुबे ने भी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दे दिया, ये रहा O2 का ऐसा ऐसा और फास्फोरस का बिल्कुल सही। अब ये वाला मुझे बता दे कोई, ये वाला मुझे बता दे कोई, S लिखा हो या S8 लिखा हो घबराना नहीं, या तो सल्फर लिखा हो या सल्फर 8 लिखा हो, दोनों इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, परेशान नहीं होना है। यस 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 यस, आ रहा हूं शिव कुमार वर्मा, आ रहा हूं उस पे, आ रहा हूं उस बात पे आ रहा हूं, नॉट वरी। अब ऑक्सीजन जो है प्लस एस एट, दैट मीन्स सल्फर का हाइएस्ट ऑक्सी एसिड H2SO4, सल्फर प्लस 6 में हाइएस्ट ऑक्सी एसिड बनाता है, काम तमाम। बहुत अच्छा आंसर है अभय कुमार का, समीर का, डॉक्टर जय का, बहुत अच्छा आंसर है। अब हम बार बार न्यूज में खबरों में पढ़ते रहते हैं, और नीट के लिए और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्योंकि आजकल जो है ना ज्वलंत मुद्दों से सवाल पूछा जा रहा है नीट और जेई के अंदर, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, वेरी गुड। अब क्या होता है, जो हमारे सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन्स बोल सकते हैं उसको, ये जो फ्यूल में नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होगा तो वहां पे एनो गैस रिलीज होता है ऊपर, एरोप्लेन सुपरसोनिक जेट्स। अब जब एनो गैस रिलीज होगा तो ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर ऊपर ही है, एनो गैस सुपरसोनिक जेट ने रिलीज किया, O3 से रिएक्ट किया, O3 के पास नेसेंट ऑक्सीजन है, O3 किसी से भी रिएक्ट करेगा वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, नाइट्रोजन NO2 में ऑक्सीडाइज हो गया। नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है भाई साहब, चार, तो चार वाला बना दिया यहां पे, NO2 बना दिया ब्राउन कलर गैस, और ये गैस जो है ना, और O2, O3 से O2 अलग कर दिया, ओजोन लेयर ऑलरेडी था, इसमें से NO2 बनेगा और O2 अलग से रिलीज हो जाएगा, दैट मींस पहले O3 था, अब इसमें से धीरे धीरे O2 रिलीज होते जा रहा है, हर बार रिएक्शन होगा और O2 रिलीज होते चले जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कहीं से कोई बात समझ में आ रही हो तो बोलिए हाँ, कहीं से कोई बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अब फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सल्फर की कहानी, सल्फर की कहानी मेरी जुबानी, फिर से कल मिलेंगे आपको और सल्फर की कहानी सुनाएंगे, और सल्फर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी करेंगे, साथ साथ में सल्फर के रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर एंड सेवरल टाइप ऑफ सल्फर कलम पढ़ेंगे, अमेजिंग। लेकिन आज मेरे से वादा करके जाओ आज कि आप एटलीस्ट 5-7 लोगों को जरूर बताओगे इस हैप्पी दिवाली में कि आपके साथ कितना अच्छा सेशन चल रहा है, कोटा क्लासरूम के एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, शैलेंद्र माहेश्वरी सर, यू नो व्हाट, 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑलरेडी, सॉरी, हजारों बच्चे आईआईटीज में मेडिकल कॉलेजों में जा चुके हैं, ठीक है। चलिए रोहित राज, सिलिकेट्स, बिल्कुल सिलिकेट्स बाकी है, जो चीज थोड़ी थोड़ी बाकी चीज की है ना वो सब अपन कहां रिलीज करेंगे, दिवाली में, ठीक है, दिवाली बम्पर ऑफर्स में। बाय मरियम खान, चंचल थैंक यू सो मच, शाहरुख अली थैंक यू सो मच, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बायोलॉजी वाली सर आ गए हैं तो आप लोग बायोलॉजी पढ़िए, और मैथ्स वाले बच्चे करियर पॉइंट जेई चैनल पे मैथ्स पढ़िए और मजे लेते रहिए, मिलते रहेंगे कल 6 बजे फिर से एक बार और करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, तब तक के लिए ख्याल रखें, टाटा बाय।